आइए बैठो। प्रणाम महारानी। माते, हमें तो भूख ही नहीं लगी, तो आप हमें यहाँ क्यों ले आए? क्योंकि आज से आप रसोई में भोजन बनाना सीखेंगी। हम? बहुत भागता है ना आपका मन इधर उधर, आपके मन को बांधना अति आवश्यक है। माते, ये भी तो हमारे मन की बात है, हम तो स्वयं जानना चाहते थे कि इतना स्वादिष्ट भोजन बनता कैसे है। तो ठीक है, फिर आप रसोई में भोजन बनाना सीखिए, और यदि आप अपने मन से घर पर रहेंगी तो हमारी सारी चिंता तो वैसे भी दूर हो जाएगी। काका, दृष्टि रखिएगा गंगा पर, ध्यान रहे कि ये भोजन बनाना सीखें, पाते नहीं। बैठो बैठो। माते, बातें बनाना तो हमें पहले से ही बहुत अच्छे से आता है, किंतु अब हम भोजन बनाना भी सीख लेंगे। हम जानते हैं आप हमारी भलाई के लिए कह रही है, और हमारा मन कहता है इस कार्य में सबकी भलाई है, तो हम ये अवश्य सीखेंगे। हर हर गंगे, जय जय गंगे। सत्य कहा देवी आपने, आपके हर कार्य में संसार का कल्याण छुपा हुआ है। वो तो ठीक है गुरुदेव, किंतु मुझे चिंता हो रही है। यहां मैनावती ने देवी गंगा को गृह कार्य में बांध दिया है, और वहां पापी अंधकासुर इस समय भी किसी ना किसी षड्यंत्र को रचने में व्यस्त होगा। क्या रही हो? सुरा डालो। लेबाज का अंत हो चुका है, और तुम यहां बैठे ये पिंड बना रहे हो, ये चिंता का विषय अंधकासुर। सत्य कहा गुरुदेव, गंभीर चिंता का विषय है। यदि गंगा इसी प्रकार सबका उद्धार करती रही तो सुरसुरा और स्वर्ग लोक का सुख भोगने के लिए संसार में कोई बचेगा ही नहीं। इसीलिए शीघ्र हमें गंगा के अंत का कोई मार्ग ढूंढना होगा। वही तो कर रहा हूं गुरुदेव। अब ये पिंड ही उस पाप नाशनी गंगा के जीवन का अंत करेंगे। काका, आप तो सदैव ही सबको भोजन कराते हैं, किंतु आज हम स्वयं सबको भोजन कराना चाहते हैं, वो भी अपने हाथों से बनाकर। आपने तो पहले कभी भोजन बनाया ही नहीं, इसलिए सबसे पहले आपको भोजन बनाना सीखना होगा। काका, हम गंगा हैं, हम सुनते सबकी हैं, किंतु करते केवल अपने मन की है। और काका, हमारा मन ये कह रहा है कि आज का भोजन तो हम ही बनाएंगे। किंतु बिटिया। किंतु काका, भोजन तो हम ही बनाएंगे। एक कार्य कीजिए, आप जाइए विश्राम कीजिए, यदि कोई आवश्यकता हुई तो हम स्वयं आपको पुकारेंगे। जाइए जाइए विश्राम कीजिए। एक काम कीजिए, आप सब जाकर विश्राम कीजिए, आज का भोजन हम बनाएंगे। चलिए चलिए विश्राम कीजिए, जाइए जाइए जाइए, आप ही चलिए, आप ही चलिए, आ जाइए। आज का भोजन तो हम ही बनाएंगे, किंतु बनाएंगे क्या? स्पष्ट बताओ, इन पिंडों के द्वारा तुम गंगा का अंत कैसे करोगे? गुरुदेव, ये पिंड नहीं अपितु पिंड से बनने वाला पित्रासुर पिंड आज है।
नरकासुर, मैंने आज तक तुम्हारे द्वारा बताए गए प्रत्येक कार्य को पूर्ण किया है, परंतु अब मेरी आत्मा तुम्हारे पापों के इस बोझ को अधिक सहन नहीं कर सकती। मुझे इस पापमयी जीवन से मुक्ति दे दो अंधकासुर, मुक्त कर दो मुझे अंधकासुर। देखा गुरुदेव, इस पित्रासुर पिंडभाज को भी मुक्ति चाहिए। पिंडभाज, तुम्हारी मुक्ति के लिए ही तो स्मरण किया है मैंने। यदि तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो जाओ और जाकर अंत कर दो उस गंगा का। गंगा? हाँ, गंगा, हिमवान पुत्री गंगा, पाप नाशनी गंगा, तुम मेरे लिए उस गंगा का अंत करो और मैं तुम्हें अपने बंधन से सदा सदा के लिए स्वतंत्र करूंगा। और ये अंधकासुर का वचन है। यदि उस गंगा का अंत करने से मुझे इस पापमयी बंधन से स्वतंत्रता मिलती है तो मैं करूंगा, मैं अवश्य करूंगा उस गंगा का अंत। गुरुदेव, ये स्वतंत्रता का भूखा पिंडभाज है और इसकी भूख के बवंडर में गंगा का जीवन अवश्य समाप्त होगा। यहाँ बनाने को इतना कुछ है, समझ ही नहीं आ रहा बनाए क्या और छोड़े क्या। हम गंगा है, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसलिए हम सारी तरकारियों को साथ में पकाएंगे। देवी गंगा का स्पर्श पाकर संसार के सभी अन्न, सभी तरकारी और सभी वनस्पतियां धन्य हो जाएंगी। हर हर गंगे, जय जय गंगे। में देख ली कहीं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ का स्वाद आना चाहिए। ये लो, काका ने चावल यही छुपा कर रखे थे, अगर हम भूल जाते तो। अब सब कुछ डल गया, अब बस जल डालना शेष है। आज रसोई बनावे गंगा, आज रसोई बनावे गंगा, दिव्य है भोज और दिव्य है गंगा, दिव्य है भोज और दिव्य है गंगा, नन्हे कर कमलों की शोभा, छवि की छाप छोड़ती आभा, गंगा जल से बने जो भोजन, तृप्त हो जाए सबका तन मन,
आज रसोई बनावे गंगा, आज रसोई बनावे गंगा। दिव्य है भोज और दिव्य है गंगा। हे देवी गंगा, आपके स्पर्श और जल से ये भोजन दिव्य हो गया है। इसमें संसार के संपूर्ण अनों का स्वाद है। इसे जो भी ग्रहण करेगा उसका जीवन दुखों से मुक्त हो जाएगा, उसके सारे पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। भोजन की ऐसी दिव्य सुगंध, रसोई में ऐसा क्या पक रहा है? काका जी। महारानी आप यहाँ हैं? रसोई में भोजन कौन बना रहा है? वो गंगा बिटिया। गंगा? गंगा आते इतनी अच्छी सुगंध। इतना स्वादिष्ट भोजन आपने बनाया? हाँ माते, आपको अच्छा लगा? बहुत। पुत्री, ऐसा लगता ही नहीं कि ये भोजन है, ऐसा लगता है कि दिव्य प्रसाद है। परंतु पुत्री, इतना स्वादिष्ट भोजन इतनी शीघ्र बनाना आपने किससे सीखा? आपसे माते। आप हमारे लिए इतना प्रेम से भोजन बनाती है, वो देख देख कर हमने भी भोजन बनाना सीख लिया। पुत्री, हमें नहीं पता था कि जितने उमंग से आप पर्वत चढ़ती हैं, उतने ही मन से आप भोजन भी बना सकती हैं। पुत्री, ये तरकारी भात बना के आपने हमारा हृदय जीत लिया, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये तरकारी भात संसार में किसी की भी भूख मिटाने में पूर्णतः सक्षम है। अब जब तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया ही है, तो क्यों ना इसका वितरण किया जाए? ठीक है, हम इसकी तैयारी करके आते हैं। ये कैसा अनर्थ है? अरे अरे, क्या हो रहा है? अकस्मात ये बवंडर कहां से आ गया? ये मेरी भूख का बवंडर है। मेरी भूख का बवंडर, इसे अति शीघ्र शांत करो, अन्यथा ये तुम सबको शांत कर देगा। बाबा जी, यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दीजिए। ये बवंडर रोकिए बाबा। हाँ बाबा, अन्यथा इस बवंडर में सब कुछ नष्ट हो जाएगा बाबा। ये बवंडर केवल भोजन से ही शांत होगा, इसलिए जाओ जाओ, अपने घरों से जाकर अन्न लेकर आओ, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो जाए ये भवंडर तुम्हारे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दे। जाओ। चलो चलो, हम सब बाबा के लिए अनाज लेकर आते हैं। चलो हुई। क्यों लग रही हो? पता नहीं कहां से एक बाबा आ गए हैं
जो सारे गांव का अनाज खाए जा रहे हैं। हाँ, किंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि चाहे वो बाबा कितना भी अनाज खा ले, उनका पेट भर नहीं रहा। सारे गांव का अनाज खा चुके हैं वो। अच्छा, लगता है इस बाबा को हमारी तरकारी भात की ही प्रतीक्षा है। तरकारी भात? मेरे घर का तो सारा अनाज समाप्त हो चुका है। हाँ भाइयों, मेरे घर पर भी अन्न का एक दाना शेष नहीं, किंतु बवंडर बाबा की भूख शांत होने के स्थान पर निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर पूरे राज्य का अन्न खाने के पश्चात भी उनकी भूख शांत नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? शांत करो मेरी भूख, अन्यथा मैं तुम्हारे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। जाओ। मेरे भूख का ये बवंडर तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो गंगा नहीं आ जाती। अरे, अब तो पूरे गांव में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं। अरे अब हम क्या करें? यही तो मैं चाहता था। अब मैं बवंडर की इस माया में पूरे हिमालय का अन्न नष्ट कर दूंगा। उसके बाद कोई भी मेरा अहित नहीं कर पाएगा और मैं करूंगा उस गंगा का अंत। बाबा, हम आपके लिए भोजन लाए हैं, तरकारी बात, वो भी अपने हाथों से बनाकर। गंगा, मेरे बवंडर के चक्रव्यूह में फंसकर तुम स्वयं ही अपनी मृत्यु के पास आ गई हो। ध्यान रहे पिंडबाज, गंगा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पवित्रता है। यदि उसकी पवित्रता को समाप्त करने से पहले गंगा के अंत के बारे में सोचा, समझना स्वयं का अंत है। अघोरी बाबा, भोजन करके आप किसके भजन में लीन हो गए? नहीं, हमें बताइए, हमारे हाथों का बना स्वादिष्ट भोजन आपको कैसा लगा? अघोरी स्वाद के लिए भोजन नहीं करते हैं गंगा, किंतु एक बात अवश्य जान लो, शीघ्र ही तुम्हें हमारा आशीर्वाद मिलने वाला है, मृत्यु के रूप में। प्रभु, मैं समझ नहीं पा रही, ये पिंडभाज करना क्या चाहता है? उसने क्यों सारे राज्य का अन्न ग्रहण कर लिया? देवी, जो अन्न सबको जीवन देता है, वही अन्न पिंडभाज के अंत का कारण बन सकता है। इसलिए सबसे पहले पिंडभाज ने संपूर्ण अन्न को अपने अधिकार में ले लिया है, ताकि संसार का संकट बढ़ सके और पिंडभाज का जीवन सुरक्षित हो जाए। महाराज, क्या हुआ? अनर्थ हो गया महाराज,
हमारा सारा अनाज नष्ट हो गया। जी हाँ महाराज, ये देखिए, ये हमारा सारा अनाज स्वयं जलकर राख हो गया। राख? ये कैसे हो सकता है? सारा अन्न जलकर राख कैसे हो सकता है? महाराज, महाराज, केवल प्रजा का ही नहीं बल्कि राजमहल का भी अन्न भंडार जलकर राख हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे माता अन्नपूर्णा हमसे रोष्ट हो गई हो। यदि यह दैवीय आपदा है तो इस विपदा को दूर करने में केवल माता आदिशक्ति हमारी सहायता कर सकती है। हाँ महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सबको जाके माता आदिशक्ति की आराधना करनी चाहिए। केवल माता आदिशक्ति हमें संकट और विपदा से मुक्त करा सकती है। राजा जनों, आप लोग धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आइए मेरे साथ, आइए देवी। लोग कुछ भी कहते हैं, जो हमारा मन कहता है ये देवी है नहीं अपितु असुरी आपदा है, और इसमें बवंडर बाबा का अवश्य कोई ना कोई हाथ है। तो अब हम क्या करें गंगा? अघोरी स्वाद के लिए भोजन नहीं करते हैं गंगा, किंतु एक बात अवश्य जान लो, शीघ्र ही तुम्हें हमारा आशीर्वाद मिलने वाला है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।